जम्मू कश्मीर में कुछ समय पहले तक आतंकी घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन अगर हाल ही की बात करें तो एक बार फिर से आतंकी अपने पैर पसारने लगे हैं। और राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो छोटी काशी आज से 13 साल पहले आतंकी घटनाओं से दहल चुकी थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले रामगंज शहर के दो दंपति इस आतंकी घटना में घायल हुए थे। और हम अगर कल की ही बात कर लें तो हमारे ही जयपुर शहर के एक और दंपति इस आतंकी घटना का शिकार हुए, जिसमें माँ और बेटे की मौत हो चुकी है और जो पति हैं वो बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारेख यहाँ पर मौजूद हैं। अमितोष जी, जिस प्रकार से लगातार जैसे कि मैंने कहा कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो आतंकी घटनाएं कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वापस से आतंकी अपने पैर पसारने लगे, और विशेष तौर पर जो धार्मिक यात्राएं हैं जैसे वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा है, उस जगह पर आतंकी फिर से आने लगे हैं, हमले करने लगे। हमारे राजधानी जयपुर और उसके आसपास के कई लोग इन घटनाओं में घायल हो चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो ये दुर्घटना घटी इसका विश्व हिंदू परिषद निंदा करता है, और इस पे संज्ञान लेते हुए कल विश्व हिंदू परिषद ने तय करा है कि पूरे देश भर में इसके धरना प्रदर्शन करा जाएगा, साथ में ज्ञापन दिया जाएगा। कुछ मांगे विश्व हिंदू परिषद की जो वो रखी जाएंगी, और परिवार को सहानुभूति के साथ साथ जो भी सहायता विश्व हिंदू परिषद के लिए करनी है वो विश्व हिंदू परिषद करेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि जिस तरह से आतंकवादी घटना इस देश के अंदर में अपने पैर पसारने लगी, मुझे लगता है कि आतंकवादी घटना पूर्व में भी थी और आज भी है। बात यह है कि सरकार उसको किस नजरिए से देखती है। कुछ सरकारें होती है जिसको हिंदू आतंकवाद का नाम देती है, तो कुछ सरकार है जो इस पर एक्शन लेती है। जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने शपथ लेते ही प्रधानमंत्री ने इस पर एक्शन लेने का काम करा। आप देखिए, राजस्थान के अंदर में भी जो दो परिवार थे उनको संविदा भर्ती और 50 लाख का भी दिया गया। मुझे लगता है कि आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा को मानते हुए वर्तमान सरकार काम कर रही है, नेशनल इंटीग्रिटी को ध्यान कर रही है। और मैं इस पे किसी भी तरह कंपैरिजन पे जाना पसंद नहीं करूंगा कि किसके कार्यकाल में कितने हुए। आतंकवाद पूरे देश के लिए खतरा है, विश्व के लिए खतरा है, इसको जितना जल्दी हो सके रोकना चाहिए, सतर्कता निभानी चाहिए। बिल्कुल, और जिस प्रकार से लगातार जो हमारे देश के जो धार्मिक स्थान है, विशेष तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की ओर ही इशारा करें तो वहीं पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं होना हम कह सकते हैं कि आम है, भले कम हो गई है लेकिन फिर भी उस इलाके में विशेष तौर पर हो रही है। क्या इसका मूलभूत कारण आप क्या मानते हैं? क्या आतंकियों का सर बुरी तरह कुचला जा रहा है, उनके ऊपर लगातार हमारी केंद्र सरकार एक्शन ले रही है, क्या इस वजह से कोई उनके मन में कोई गुस्सा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे, या जो वो चाहते थे कि कश्मीर को भारत से अलग कर दें उस मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पा रहे, इस वजह से फिर से वो इस प्रकार की हरकत करना चाह रहे हैं? देखिए उमंग जी, आतंकवाद जो है वो लोगों में भय पैदा करने के लिए होता है। और आप देखिए कि आतंकवाद के जिस तरह से हमने कहा सरकार सतर्कता करते हुए उन पे एक्शन ले रही है, मुझे लगता है आतंकवाद का जो लोग कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, मैं साफ तौर से उसे डिनाई करता हूं। आप आतंकवादियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं। और वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके मन में जिहादी विचारधारा इसलिए कि जो हाल ही में घटना हुई उसमें उन्होंने एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, अमरनाथ पे जाते हुए श्रद्धालुओं को मारा था, 2003 में यही पुलवामा के अंदर में 24 हिंदुओं को मार दिया, उसके 3 साल बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 34 हिंदुओं को मार दिया। और एक तो ये हुआ था कि आतंकवादी संगठन जिस महिला से रोटी बना रहे थे उसी घरवालों को इकट्ठा करके उनके सर काट दिए गए। मुझे लगता है कि साफ तौर से जिहादी विचारधारा जो भारत में पनप रही है, भारत के टुकड़े करने का प्रयास कर रही है। और देखिए क्या हो रहा है, इस चुनाव में सबसे सामने स्पष्ट हुआ, एक है खालिस्तानी मांग करने वाले जिसको जेल में भी दुनिया जिता देती है, और एक वो है जो पढ़े लिखे लोग जो आज अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं वो चुनाव में नहीं जीतते हैं। तो इस तरह से जो घर के अंदर में हमारी आतंकवादी जिहादी विचारधारा में पनप रहे लोग हैं, मुझे लगता है सरकार को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जिहादी विचारधारा को खत्म करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से अमितोष का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार की जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं इनके ऊपर न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों को ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार की मानसिकता को जितना जल्दी हो सके उसे खत्म कर देना चाहिए, इन्हें कुचल देना चाहिए ताकि फिर और कोई परिवार इस प्रकार के हादसे का शिकार न हो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।